तो गैस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मोड को, और वो भी जीटी सैंड्स में हम इंस्टॉल करेंगे। तो यार बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है अगर आपको जो है जीटी सैंड्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मोड को जो है ऐड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डाउनलोड भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा और इसकी यूजिंग भी बताऊंगा, और आप यहाँ पे इसका गेम प्ले भी देख सकते हैं। और गैस मैं मानता हूँ कि मैंने पेस कैम वीडियो नहीं किया, लेकिन उसके कुछ रीजन है जो कि मैं अभी पेस कैम वीडियो का टाइम नहीं मिलता। सो मैं जल्दी मतलब पेस कैम वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा, और जीटी सिनेरियोस के लिए बहुत सारे मोड्स आने वाले हैं और मैं सिर्फ अब उस पर ही काम करूंगा, क्योंकि मैंने पबजी पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड की लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना आपने जीटी सिनेरियोस सपोर्ट किया है। तो मैं जीटी सिनेरियोस पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जीटी सिनेरियोस की और जीटी पैप की और इससे जीटी के गेम्स की मोड जो है मिलते रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं खास बात ये कि मैं आप जितने भी मोड्स आपको इंस्टॉलेशन उसका दिखाऊंगा, तो मैं उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अगर फिर मूड पसंद नहीं आता, उसको आप खेलते हो वगैरह सब कुछ, उससे मजा उठाते हो, लेकिन आप फिर चाहते हो कि मैं इस मूड को जो है अपनी गेम से रिमूव कर लूं, तो वो भी आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर मूड का जो है रिमूविंग का जो तरीका है वो भी बताऊंगा, मतलब मैं जो भी मूड इंस्टॉल करूंगा उस मूड को कैसे रिमूव किया जाता है अपनी जीटीए सेंस में, तो वो भी बताऊंगा। जितने भी आने वाली मूड्स हैं तो मैं उसमें वो तरीका बता दिया करूंगा, तो आपको जो है और भी इजी लगेगा, क्योंकि इसकी मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि जो भी मूड्स मैं डाउनलोड उसका दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, तो फिर कुछ लोग जो है चाहते हैं कि हम इसको जो रिमूव कर ले और दूसरा मूड इंस्टॉल कर ले, तो उनको जो है फिर सिंपल ये काम करना होता है कि दोबारा गेम इंस्टॉल करते हैं। तो अब आपको गेम दोबारा इंस्टॉल करना नहीं होगा, सिंपल मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इस तरीके से रिमूव कर सकते, इस तरीके से ऐड कर सकते, इस तरीके से डाउनलोड कर सकते, इस तरीके से यूज कर सकते, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये सब स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो देखने के बाद। तो गैस हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये फाइल डाउनलोड है, आपने भी ये फाइल डाउनलोड करने है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अपने डाउनलोड करने। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल एक लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर कर दीजिए क्लिक, और जैसे आप उस पर क्लिक करते तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो देन आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने इसको स्क्रोल कर देना है, और जैसे आप स्क्रोल करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका कुछ डिटेल भी मिल जाता है, अगर आपने रीड करना है तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। सो देन मैं क्या करता हूँ इसको स्क्रोल करता हूँ, यहाँ पर आपको इसका यूजिंग मिलता है अगर आपने यूजिंग रीड करना है। वैसे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी, लेकिन शायद मैं आपको उतनी डिटेल से ना बताऊं, तो फिर यहाँ पर आप इसकी मदद ले सकते हैं, सारी की सारी यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है इसकी यूजिंग। तो मैं भी यहाँ पे रीड करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यार आपको यहाँ पर नीचे दो बटन मिल जाए हैं, एक है गूगल ड्राइव डाउनलोड लिंक और दूसरा है मीडिया फायर डाउनलोड लिंक। तो अगर आपको मीडिया फायर से डाउनलोड करना है तो मीडिया फायर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना है तो यार गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक्चुअली गूगल ड्राइव से डाउनलोड करता हूँ, उसका सर्वर अच्छा है, स्पीड अच्छा है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ गूगल ड्राइव की लिंक पर, तो मेरे पास फिर से कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर आपने अगर इस टिप को फॉलो कर देना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप जल्दी ही इस फाइल को डाउनलोड कर देंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिंपल स्क्रॉल करता हूँ, अगर आपने जल्दी डाउनलोड करना है तो आप जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं 12 सेकंड ये कह रहा है, तो मैं 12 सेकंड वेट करता हूँ, और यहाँ पर फिर मेरे पास ये खुद ही रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल ड्राइव की लिंक पर, तो आप इजीली उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप फॉलो करना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस पे सिंपल क्लिक कर दीजिए, इसका लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, तो आपके पास ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास रीडायरेक्ट हो चुका है, अब आपने क्या करना है सिंपल इस डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर देना है। तो मैं अभी फिलहाल डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो चले मैं क्या करता हूँ इस विंडो को मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ये वो फाइल है जो कि आप डाउनलोड करोगे। तो इस फाइल पे फिर आपने क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर अपने एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है। सो ये आपके पास इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 MB का फाइल है, टाइम भी नहीं लेगा, तो आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर आपने इस पाउडर को क्या करना है कि ये जो आपको पाउडर मिलता है आपने इसको ओपन कर देना है, यहाँ पर आपने सारी फाइल्स को कॉपी कर देना है, वही सेम तरीका है, और फिर आपने इस पाउडर को मिनिमाइज कर देना है। फिर दोस्तों आपके पास जीटी सिनेरियोस का जो शॉर्टकट है वो आपके पास डेस्कटॉप पर होगा, अगर आपके पास नहीं है तो जैसे जीटी सेंस पाउडर को जो ओपन करते हो, मतलब जीटी सेंस ओपन करने के लिए जाते हैं, तो वही पाउडर आपने ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ इस शॉर्टकट से ओपन करता हूँ, इस पे राइट क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ पर आपने ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। सो देन आपके पास कुछ इस तरह का एक पाउडर ओपन हो जाएगा जो कि जीटी सेंस का मेन डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक कर देना, देन यहाँ पर अपनी सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। सो गाइस आपके पास कुछ इस तरह का एक
पॉपअप ओपन हो जाएगा जो कि आपको कह रहा है कि इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, रिप्लेस बटन पर क्लिक करना है, इसको रिप्लेस भी कर देना है। सो गाइस यहाँ पर क्या हो चुका है कि मेरा जो डॉक्टर स्ट्रेंज मोड है वो जीटीए सन्स में इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब बात आती है कि ये हमारे पास वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं जीटीए सन्स को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, और दोस्तों इसका यूजिंग भी बताऊंगा, तो इसलिए आपने वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस जीटीए सन्स को प्ले कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हो चुका है ओपन मेरा गेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट गेम कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू गेम को ओपन करता हूँ। सो मेरा जो गेम है बिल्कुल ओपन हो चुका है, यहाँ पर इसका जो इंट्रो है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लेफ्ट क्लिक को प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसको स्किप कर लूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए मेरे पास ये स्किप भी हो चुका है। अब बात है थी कि इस मोड को कैसे यूज कर सकते, कैसे एक्टिवेट कर सकते, इसका स्किन कैसे ला सकते, तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अपनी वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम इसका जो स्किन है वो कैसे लाएंगे, और मैं आपको ये बता दूं इसका एक नेगेटिव मतलब पार्ट के मतलब ये जो मोड है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, मतलब इसकी सारी पावर्स जो है ऑलरेडी ऑन हो जाते हैं, मतलब ऑन होते हैं। तो अगर आपने फिर इसको रिमूव करना है अपने गेम से तो मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब फिलहाल हम इसका स्किन लाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए प्रेस कर दीजिए टैप प्लस क्यू बटन। जैसे उसको प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डॉक्टर स्ट्रेंज मोड का जो स्किन है वो आ चुका है। अब हम इसको यूज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। सो इसके पास क्या क्या पावर है तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी सारी पावर आप मेरे वेबसाइट पर रीड भी कर सकते हैं, सो वो भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए मैं पहली पावर इसको जो है लेफ्ट क्लिक से करता हूँ, तो ये देखिए मैं जब भी मतलब किसी को मुक्का मारता हूँ तो ये बहुत ही तेजी से लगता है और जो कार है वो बहुत दूर चला जाता है। सो इसके पास ये भी काफी बड़ा पावर है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी पावर देखते हैं कि हाँ इसके पास और क्या पावर है। सो गाइस यहाँ पे जितनी भी आपको कार दिख रही, अगर आप पेज डाउन बटन को प्रेस करते हो तो आप क्या कर सकते हो, वो कार को आप मतलब ब्लास्ट कर सकते हो और वो ऊपर जाएगा, मतलब बहुत ऊपर जाएगा। सो ये इनके पास काफी अच्छा पावर है जो कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये एक कार है जो कि ब्लास्ट हुआ है पहले से, ये देखें फिर से। सो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अब फिर से इसके पास एक और पावर आ जाता है जिसका नाम है फ्लाइंग, मतलब आप फ्लाइंग कर सकते हैं, इस बंदी को आप उड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा FLY, जैसे टाइप करते तो आपके पास ये देखिए उड़ने लगा है। और अगर इसका स्पीड आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप स्पेस बटन प्रेस कर सकते हैं, और जैसे स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप इसको मतलब इंक्रीज कर सकते हैं इसका स्पीड, और फिर आप इसको चला सकते हैं WSAD से, जो कि आप सिंपल आप जानते होंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको उतार लेता हूँ। तो इसका जो अगर स्पीड मुझे मतलब स्लो करना है दोबारा, तो मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास ये स्पीड जो है स्लो हो चुका है। मैं इसको थोड़ा और तेज करता हूँ, फिर यहाँ पे स्लो करता हूँ। दोस्तों अगर आपने इसको उड़ने मूड से मतलब यानी हटाना है, मतलब इसको नीचे ज़मीन पर लाना है, तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे वो एंटर बटन प्रेस करते तो आपके पास ये नीचे आ जाएगा। फिर दोस्तों अगर आपको इसका टाइम स्टॉप करना है, तो स्टॉप के लिए आपको जो क्या करना होगा कि स्टॉप आपने टाइप करना होगा, तो STOP। जैसे आप स्टार्ट करते तो ये देखिए सब कुछ रुक गया है, सिर्फ मैं यहाँ पर चल पा रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी है। और अगर इसमें आप पावर यूज करना चाहते तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप पेज डाउन बटन को प्रेस कर दीजिए, ये देखिए बहुत ही सूट कर रहा है दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है इसमें मुझे, ये पावर इसका बहुत ही कमाल है अगर आप टाइम स्टॉप में मतलब यानी इस पावर को यूज करते हो। दोस्तों अगर आपको पीस से ये टाइम रन करना है तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका जो टाइम है ये बिल्कुल रन हो जाएगा और फिर से वही नॉर्मल सी चीज़ें हो जाएंगे। इसकी और भी बहुत सारी पावर है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरा वेबसाइट मतलब विजिट करना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारी यूजिंग, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं इस ऑडियो को थोड़ा लो कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर है। सो क्या करते हैं कि मैं आपको यही कहने वाला था कि आप सारी पावर्स की जितनी भी यूजिंग है वो आप मतलब ले सकते हैं अपनी वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट से, जो कि उस पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। सो अब बात आती है कि हम इस मोड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपल हमें गेम तो सबसे पहले बंद करना होगा, अगर आपने इस मोड को जो इस गेम से फिर से रिमूव करना है, आपको दूसरा मोड इंस्टॉल करना है, कुछ भी मतलब किसी भी रीजन से आप इसको रिमूव करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे गेम को बंद कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास गेम बंद हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको गेम की फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा मूड लोडर, तो आपने इस मूड लोडर फोल्डर को ओपन कर देना है, और जैसे इसको ओपन करो तो यहाँ पर आपके दूसरा फोल्डर दिखेगा मूड बाय हिंदी उर्दू गेमिंग, मूड बाय हिंदी उर्दू गेमिंग। आपने क्या करें इसको ओपन कर देना है, और यहाँ पर आपके एक और फोल्डर मिल जाएगा DR फोल्डर आपको मिल जाएगा, तो आपने क्या करें इसको रिमूव कर देना है, और जैसे भी आप इसको रिमूव करोगे तो आपका जो मूड मतलब जितनी भी पावर्स है वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक चीज वर्क करेगा, वो है स्किन, जो कि आप टैप क्यों बटन आप दबाओगे तो
आपके पास ये डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाएगा, अगर फिर आज से आप दबाओगे तो आपके पास सीजे आ जाएगा, तो वो सिर्फ वर्क करेगा, बाकी जितनी भी पावर्स है वो डिलीट हो जाएंगी। अगर आपको पीरसिंग इंस्टॉल करें तो वो सेम तरीका है, सारी पावर्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पीरसिंग इंस्टॉल कर दीजिए, और फिर अगर आपको इसको मतलब एंजॉय नहीं करना है, आपको नॉर्मल जीटी साउंड्स खेलना है, तो आप यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो मैंने आपको डिलीटिंग का तरीका भी बताया, रिमूविंग का, और साथ में आपको इंस्टॉलेशन का भी बताया, डाउनलोडिंग का भी बताया, तो बहुत कुछ बताया। तो यार आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मूड्स आने वाले हैं GTA साउंड्स के लिए, GTA 5 के लिए, GTA 4 के लिए, और ऐसे GTA Vice City के लिए, जितनी भी GTA गेम है, तो उसके लिए मैं मूड्स लाता रहता हूं, और मैं पबजी के लिए भी कुछ मूड्स लाता हूं, तो पबजी के लिए मूड जो है वो आपने इतना लाइक नहीं किया जितना कि GTA साउंड्स के किया, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा GTA साउंड्स के मूड्स लाऊं और पबजी में भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूड के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।